We started with this point in last lecture, understanding harmony in the human being, harmony in myself. So this is our second chapter title, understanding harmony in the human being, harmony in myself. So first point, what we are going to discuss is understanding the human being. म्हणजे आपल्याला काय बघायचं आहे की ह्युमन बीइंग म्हणजे नक्की काय आहे. ह्युमन मीन्स व्हॉट, व्हॉट इज ह्युमन, ह्युमन मतलब क्या है, ह्युमन बीइंग मतलब क्या है, कौन है. तो उसका आंसर भी नीचे ब्रैकेट में लिखा है. ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी. सेल्फ एंड बॉडी इन दोनों का को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ में है, उसे कहेंगे ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन इज नॉट ओनली ए बॉडी, सिर्फ मेरी बॉडी ही ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब मेरा वजन, मेरी हाइट, मेरी विड्थ, दिस इज नॉट द ह्यूमन बीइंग. सो अलोंग विद दिस आई मस्ट हैव माय सेल्फ, मतलब मैं खुद, मेरा मन, मेरा अंतकरण, दैट वी कैन से मेरे विचार. सो दिस इज व्हाट सेल्फ इज, है ना. कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी इज नथिंग बट द ह्यूमन बीइंग. सो दिस वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. नाउ लेट अस विल गो अहेड विद. Human being is a coexistence of self and body. Self is what term, what we term as I, है ना? I am Omkar Mahajan. So Omkar Mahajan कौन है? ये शरीर है, इस शरीर का नाम Omkar Mahajan है, या जो मेरे विचार है, जो मेरा मन है, मेरा अंतकरण है, उसका नाम Omkar Mahajan है. ठीक है, किसका नाम है Omkar? है ना? This is what we are going to discuss now. क्लियर. बॉडी क्या है? बॉडी इज व्हाट वी सी विथ आवर आईज, है ना. बॉडी इज व्हाट वी सी विथ आवर आईज, बट सेल्फ वी कैन नॉट सी विथ आवर आईज, है ना. सेल्फ हम हमारी नजरों से देख नहीं सकते, आपण त्याला बघू शकत नाही. सेल्फला, आपल्या मनाला आपण बघू शकत नाही, आपल्या विचारांना आपण बघू शकत नाही. गेटिंग इट? सो टू अंडरस्टँड द टू रियालिटीज वी कॅन स्टार्ट बाय लुकिंग ऍट द नीड्स, ऍक्टिव्हिटीज अँड रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्फ अँड बॉडी. अब हम क्या करेंगे ना, आता आपण काय करणार आहोत, सेल्फ आणि बॉडी ह्या दोघांच्या, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे. कौन से पॉइंट्स पे? नीड्स. सेल्फ की नीड क्या है, बॉडी की नीड क्या है. एक्टिविटीज, सेल्फ की कौन सी एक्टिविटीज होती है, बॉडी की एक्टिविटीज कौन सी होती है. सेल्फ का रिस्पॉन्स कैसे होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे होता है सिचुएशंस के लिए. गेटिंग इट? दीस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. लेट अस विल सी. ओके, नाउ आई हैव कोटेड सम हिंदी इन बिटवीन. सो मानव व्यवस्था में मानवता की आवश्यकताएं दो प्रकार में आएंगी, है ना. आपल्या रिक्वायरमेंट्स, आपल्या रिक्वायरमेंट्स दोन ब्रॉड कैटेगरीज मध्ये आपण क्लासिफाई करू शकतो. कैसे देखते हैं, मानव की संपूर्ण आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक आवश्यकताओं का विश्लेषण. ऑल अवर रिक्वायरमेंट्स, लेट इट बी फाइनेंशियल, लेट इट बी दैट इमोशनल, है ना. So then let us be your psychological, वो सभी requirements दो categories, दो broad categories में हम classify करेंगे. First one, आहार, आवास, दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण. ये क्या pure हिंदी. देखते हैं, आहार मतलब, आहार means जेवन, भोजन, खाना. आवास means घर, आपलं घर. आवास म्हणजे घर, है ना. अन्न, वस्त्र, निवारा, त्यातला निवारा. दूरगमन, दूरगमन means ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. दूरगमन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, म्हणजे लेट इट बी कार, लेट इट बी बस, लेट इट बी ऑटो रिक्षा, लेट इट बी अ फ्लाइट, एरोप्लेन, लेट इट बी अ शिप, एनीथिंग दैट कम्स अंडर दूरगमन. दूरदर्शन, दूरदर्शन मीन्स लेट इट बी टेलीविजन, वॉट यू कॉल वीडियो कॉलिंग, वॉट यू आर डूइंग नाउ राइट नाउ, दैट इज अटेंडिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, सो दैट इज दूरदर्शन. दूरश्रवण, मोबाइल फोन्स, रेडियोज. क्लियर? सो ऑल दीज आर द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उसे हम कहते हैं सुविधाएं, त्याला आपण म्हणतो सुविधा. गेटिंग इट? सुविधाएं, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल. गेटिंग इट? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, बॉडी की मटेरियल रिक्वायरमेंट्स. और सुख क्या है, सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ आई. सेल्फ की, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ आय. विश्वास, आपल्याला विश्वास पाहिजे. सम्मान, आपल्याला सम्मान पाहिजे. स्नेह, स्नेह पाहिजे आपल्याला. न्याय, व्हेरी गुड, व्हेरी लार्ज टर्म, न्याय, आपल्याला न्याय पाहिजे. आणि आपल्याला काय पाहिजे, समज, म्हणजे ज्ञान, म्हणजेच राईट अंडरस्टँडिंग. यालाच आपण काल काय म्हटलं होतं, कॉन्शियसनेस.
क्लियर. सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर. याला काय म्हणायचं, सुख. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आय सेल्फ. क्लियर. अब हम इसे क्या करेंगे ना, हम इसे चेक करेंगे डिफरेंशिएट में. नीड, नीड खुद की नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, व्हाट इज नीड ऑफ सेल्फ, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट. हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए. ये किसे चाहिए, बॉडी को चाहिए क्या? नहीं, ये हमारे विचारों की रिक्वायरमेंट है ना. जैसे कि रिस्पेक्ट, हमारे विचार में क्या, हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, अपना रिस्पेक्ट मिलाना पाहिजे. हा आपला विचार है, आपलं मन म्हणतं की मला रिस्पेक्ट पाहिजे. गेटिंग इट? सो आणि बॉडी काय म्हणतंय, फिजिकल फॅसिलिटी, फूड, चांगलं खायला मिळालं, यस बॉडी इज हॅपी. गेटिंग इट? बॉडीची रिक्वायरमेंट काय आहे, बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे फूड, फिजिकल फॅसिलिटीज आणि मै सेल्फ. खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्पेक्ट. अगर उसे हम टाइम के बारे में काउंट करें तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, निरंतर होती है. मतलब हमें रिस्पेक्ट निरंतर चाहिए, इन कंटिन्यूएशन चाहिए. हमें प्यार, हमें स्नेह निरंतर चाहिए, कंटिन्यूअसली चाहिए. गेटिंग इट? लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट टेम्पररी. खाना 24 घंटे चाहिए क्या? नहीं. खाना 2 घंटे भी नहीं खा सकते कंटिन्यूअसली. यस, इट इज टेम्पररी, है ना, थोड़ी देर के लिए होता है. इन कंटिन्यूएशन यू कैनॉट हैव दैट. कार में बैठना है यार, 24 घंटे कार में नहीं बैठ सकते. कौन सी भी कार हो, कैसी भी कार हो, मैक्सिमम 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10, 12, खत्म. उसके बाद तो नीचे उतरना ही पड़ेगा. गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ टाइम. इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर हम उसे देखें तो ये जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है ना, वो क्वालिटेटिव है. मतलब फिजिकल है, सॉरी फीलिंग टाइप है, क्वालिटेटिव. लेकिन जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटेटिव है. अब इसका हम उदाहरण देखते हैं. मुझे जलेबी खानी है तो कितनी खाएंगे जलेबी? 250 ग्राम, 500 ग्राम. ओके, इट इज क्वांटिटेटिव, है ना. मुझे आधा किलो प्यार चाहिए. कैन वी कॉल इट वे? कैन वी कॉल दिस वे? नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते. आधा किलो रिस्पेक्ट दो, 250 ग्राम रिस्पेक्ट दो. नो, वी कैनॉट से, वी कैनॉट क्वांटिफाई इट. हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते. गेटिंग इट? सो इट इज क्वालिटेटिव. ये गुणात्मक है, भाव है. गेटिंग इट? अब वो फुलफिल कैसा होता है, हाउ इट इज फुलफिल्ड. फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट, वो होती है फिजियोकेमिकल थिंग्स से, भौतिक और रासायनिक वस्तुओं से. गेटिंग इट? भौतिक और रासायनिक वस्तुओं से फिजिकल बॉडी की नीड्स कंप्लीट होती है. जैसे कि खाना, खाना क्या है, वो फिजिकल है ताकि हम उसे छू सकते हैं. वो केमिकल भी है ना, बहुत सारे केमिकल्स का मिश्रण है वो, है ना खाना. गेटिंग इट? सो जैसे कि पानी, H2O, वॉटर इज H2O, इट्स केमिकल थिंग. What it satisfy? It satisfy need of body. Clear? Self की requirement क्या है? Right understanding, right feeling. जैसे कि हमने कल देखा था, है ना? We have discussed about, in detail we have discussed the right understanding. What is right understanding? So इसकी पूर्ति कैसे होगी? Self की requirement की पूर्ति कैसी होगी? Right understanding से होगी, right feeling से होगी. Getting it? हमें कोई भी कितना भी respect दे, लेकिन अगर हम दिल से कहेंगे कि यार ये मुझे respect ही नहीं दे रहा, so you will never feel happy. ठीक है? आप जिस नजरों से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको वैसे लगेगी. ठीक है? आप जिस नजरों से दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी. अरे मराठी में एक कहावत है, क्या कहते हैं उसे, जया अंगी जैसे भाव, आई डोंट रिमेम्बर इट, नेक्स्ट टाइम आई विल